पलपल न्यूज़ से मैं हूं नदीम अकरम। इंदिरा गांधी के इंडोर स्टेडियम में मैं मौजूद हूं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से जन अधिकार समारोह रखा गया। तमाम लाखों की तादाद में यहां मुस्लिम समाज के लोग जुटते हुए नज़र आए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लोग मौजूद हैं। तो सबसे पहले सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। एस एम अनवर हुसैन। सर, जो आज प्रोग्राम का आयोजन आप लोगों की तरफ से किया गया, किस तरीके से देख रहे हैं कि सरकार पर इसका कोई असर पड़ेगा? सबसे पहले तो मैं इस बात की वजाहत कर दूं कि प्रोग्राम के आयोजन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। मैं यहाँ एक मेहमान के तौर पर आया था। ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से मुनाकिद किया गया था और इंडियन गवर्नमेंट तो गूंगी बहरी है, अंधी है, उसके ऊपर किसी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये एक शुरुआत है और देखिए आगे क्या होता है। सर, लगातार जो देश में मुद्दे चल रहे हैं, 370 हो गई, 3 तलाक हो गई, तमाम मुद्दे वो उठाए जा रहे हैं, चाहे NRC हो। NRC में ये कहते हैं, वो हमारे गृहमंत्री नज़र आते हैं कि जो मुसलमान हैं वो घुसपैठिए हैं और हिंदू जो हैं वो शरणार्थी हैं। कहीं ना कहीं जानबूझ करके टारगेट किया जा रहा है खास समुदाय के लोगों को, तो किस तरीके से सरकार की नीयत पर आप देख रहे हैं कि? देखिए, इस वक्त मुल्क पे RSS की हुक्मरानी है और RSS की बुनियाद ही इसी बात पर रखी गई है कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है और हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान के नारे पर ये अनासिर इस मुल्क में आगे बढ़े हैं। आज बदकिस्मती है इस मुल्क के, मुल्क की अनान जो है ऐसे लोगों के हाथ में चली गई है, तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। जो कुछ RSS कर रही है उसका एजेंडा है और आप वो एजेंडे पर अमल दरामद करने की कोशिश कर रही है। अफसोस वहाँ होता है जब हमारे लोग उस एजेंडे में उनकी आवाज़ मिला रहे होते हैं। हमारे इर्द गिर्द हिसार तंग किया जा रहा है, घेरा तंग किया जा रहा है और हमारा वजूद खतरे में है और हमको इस बात का एहसास हो जाना चाहिए और मुसलमानों को एहतसाब के अमल से गुजरना चाहिए, ख़ुद एहतसाबी के अमल से भी और अपने कायदीन के एहतसाब से भी। हमारे आवाम को ये दर्स तो हम देते रहते हैं हमेशा, खुद एहतसाबी का अपना हिसाब खुद करो, लेकिन कभी हमने उनको इस बात का दर्स नहीं दिया कि तुम अपने कायदीन का भी एहतसाब कभी करो। अच्छा, कायदीन भी हमारे दो किस्म के हैं, एक तो वो जो सियासी हैं, तो सियासी कायदीन के लिए समझ लेना चाहिए कि उनकी सारी तगोदो जो है वो महज अब कुर्सी के लिए रह गई है। वो MLA बनना चाहते हैं, वो MP बनना चाहते हैं, वो राज्यसभा के मेंबर बनना चाहते हैं, वो लोकसभा के मेंबर बनना चाहते हैं और इसके लिए सारी उनकी जोड़ तोड़ चलती रहती है। कभी इस पॉलिटिकल पार्टी समझौता, कभी उस पॉलिटिकल पार्टी समझौता, उनके पास वो उन्होंने नज़रियात कभी पॉलिटिक्स की ही नहीं। इसलिए आज अगर उनको समझ में आता है कि अब RSS चारों तरफ है, BJP चारों तरफ है, कोई अल्टरनेटिव हमारे पास नहीं है, तो उधर भी जाने की बात कर रहे हैं, वो उनसे भी हाथ मिलाने की बात कर रहे हैं। दूसरे जो हमारे कायदीन रहे हैं वो उलमा की सफ से रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारा जो उलमा हक का सेक्शन था वो अब खामोश पर्दे के पीछे कहीं है और वो अब रहनुमाई के अमल में आगे बढ़ के नहीं है। वो तबका उलमा का, वो तबका जो जाह और जलाल मनसब का ख्वाहिशमंद है, उसकी वही इस वक्त हमारे एनान आगे पकड़े हुए या आगे कायद बनने की कोशिश कर रहा है, तो उसी के मुंह से किस किस्म की आवाज़ सुनाई पड़ती है कि हम 70 के साथ, हम अबर्गेशन ऑफ 70 आर्टिकल 70 के साथ हैं और हम NRC के साथ हैं और हम फला हैं। वरना मुसलमान मिन हैसे कौम 370 को भी रिजेक्ट करता है और NRC को भी रिजेक्ट करता है, बल्कि चारों तरफ से जो मुस्लिम तंजीमें हैं वो ये कह रही हैं, मुसलमानों को अलर्ट कर रहे हैं इस वक्त कि आप NRC की तैयारियों में लग जाएं और कागजात तैयार कर लें अपने। ये ठीक है, मुसलमानों को तैयार करना चाहिए इसके लिए, लेकिन मैं कहूँगा कि तमाम मुस्लिम तंजीमों को मुत्तफ़िका तौर पर एक आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और यह है कि हम NRC का बायकॉट करेंगे। कहीं ना कहीं सर, आपका इशारा जमीयत उलमाए हिंद की तरफ था। मोहन भागवत और मौलाना अरशद मदनी की मुलाकात होती है। मौलाना अरशद मदनी साहब ने
अगर मोहन भागवत से मुलाकात की है तो इसमें कोई सियासी जुर्म नहीं किया है, वो एक नेगोशिएशन का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर कोई एतराज़ के पहलू नहीं निकलता है। हाँ, मौलाना अगर पर्दे के पीछे किसी वक्त ये रिपोर्ट आती है कि उन्होंने पर्दे के पीछे कोई समझौता किया है, ये तय कर लिया है कि भाई मुसलमानों की ये मसाइल जो है ट्रिपल तलाक जो फलां के आप हटा लीजिए, बाबरी मस्जिद हम आपके हवाले कर देंगे, तो वहाँ तो फिर एतराज़ के पहलू निकलेगा, नुक्ताचीनी के पहलू निकलेगा। लेकिन महज ये कि मोहन भगवत से उन्होंने मुलाकात की है, उस पर तनकीद इतनी जो हो रही है वो बजा नहीं है। दूसरी बात यह कि हमारी जो मीडिया है थोड़ी सी वो थोड़ी गड़बड़ी फैला रही है। वो महमूद मदनी साहब का ठेकरा जो है मौलाना अरशद मदनी साहब के सर पर फोड़ रही है बराबर। मीडिया अच्छी तरह जानती है कि महमूद मदनी साहब और अरशद मदनी साहब दो अलहदा शख्सियतें हैं, दो अलहदा ग्रुप के नाम हैं। असल जमीतुल उलमा जो है वो मौलाना अरशद मदनी साहब की है और उनके सरबराही में चल रहा था। एक डिकेड पहले मौलाना महमूद मदनी साहब ने अपने हामियों के साथ, अब उनको गुंडा कहा जाए जो कहा जाए, बहरहाल लाठी डंडे से उस पर मस्जिद अब्दुलनबी पे हमला किया जो मेरे इल्म में है, और वहाँ पर उन्होंने दफातर पर कब्ज़ा कर लिया। बाद में मिल्लत के जो दूसरे अकाबीरीन हैं, जो दूसरे उलमा हैं, वो बीच में पड़े, बीच बचाव किया और ये तय पाया कि ठीक है साहब, इस हिस्से में आप चले जाएँ, उस हिस्से में आप चले जाएँ, दोनों खामोशी से अपना काम करते रहें। लेकिन ये मीडिया अच्छी तरह जानती है कि जमीयत इस वक्त दो धड़ों में बटी हुई है। एक धड़े की सरबराही अरशद मदनी साहब कर रहे हैं, दूसरे धड़े की सरबराही महमूद मदनी कर रहे हैं, और महमूद मदनी के और अरशद मदनी साहब के नुक्ते नज़र में शुरू से वाज़ह फ़र्क रहा है और इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मीडिया दोनों मदगम कर रही है, कहीं ना कहीं मीडिया भी इस किस्म की बेईमानी में मुलव्विस है। सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे यही होगा, 2014 में जब सरकार आई थी, सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के सांसद राज्यसभा रहे, उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर इस देश की सत्ता पर काबिज होना है तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को आपसी फिरके में लड़ा दिया जाए, कहीं ना कहीं अब वो सिद्ध होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, मुसलमान फिरकों में तो काफ़ी ज़माने से बटे हुए हैं और इसमें सुब्रमण्यम स्वामी की कोशिश हो या ना हो ये कहना मुश्किल है। बस्ती के हम इल्ज़ाम किसी के साथ नहीं थोपेंगे, सुब्रमण्यम स्वामी कर रहे हैं, हम खुद फिर कम बैठे हुए हैं, और इसका इजहार हम मुख्तलिफ इलेक्शन में करते हैं, 2014 के इलेक्शन में भी कर चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं। 2014 के इलेक्शन में आपने देखा होगा कि सूफिया का एक ग्रुप निकला, उसके बाद जो अपने आप को सूफिया कहते हैं या अहले खानकाह कहते हैं, वो निकले और उन्होंने बीजेपी की हमायत की, मोदी की उन्होंने को इमामे पहनाए, टोपियाँ पहनाएं, ये सब कुछ चलता रहा है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ से पहले से हो रहा है। ज़रूरत बहरहाल इस बात की वक्त का तकाजा है कि लोग इन मसलकी झगड़ों से निकलें, लोग इन जमीयती झगड़ों से निकलें, लोग मुत्तहिद होकर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें, बस यही पैगाम। तो लोग पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, और जो हुक्मरान तानाशाही पर उतर आए हैं उसको जवाब इसी तरीके से लगातार दिया जा सकता है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं। मुल्क को आज़ाद हुए 70 साल गुजर चुके हैं, इस बीच हमने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया। आज मुल्क के हालात तेजी से बदल रहे हैं, इन बदलते हुए हालात पर नजर रखने के लिए देखते रहिए सियासतनामा पल पल न्यूज़ पर।